जेई एडवांस्ड क्या है? जेई एडवांस्ड कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं? कितनी इसकी एप्लीकेशन फीस है? कैटेगरी वाइज इसमें कितनी सीट्स है और इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। आप सभी को पता है कि आज से जेई एडवांस जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका एडवांस है, जो उसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन जो है वो आगे कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके पे मैं आपको बताता हूँ कि जो जेई मेन का रिजल्ट आया है, जो जेई मेन का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप जो 2,45,000 कैंडिडेट्स हैं, जो टॉप 2,45,000 कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, वो जेई एडवांस को इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। नंबर एक बात। उसके बाद बात करते हैं इसके सीट्स को। जो 2,45,000 टोटल सीट्स जो है आपकी, जो मैंने आपको अभी बताया है कि 2,45,000 टोटल सीट्स है जिसमें जो टॉप जेई मेंस में रहे हैं उनके लिए, तो वो सीट्स जो है वो कैटेगरी वाइज कितनी है? जैसे सीट्स टोटल है 2,45,000, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो जो ओपन सीट्स है वो है 1,08,229, ओपन पीडब्ल्यूडी की है 5,696, जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए 9,310, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में पीडब्ल्यूडी की 490, ओबीसी एनसीएल की 62,843, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की 3,307, एससी की 34,913, एससी पीडब्ल्यूडी की 1,837, एसटी की 17,456 और एसटी पीडब्ल्यू की 919 टोटल सीट्स हैं। ये आपकी है कैटेगरी वाइज सीट्स जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर आगे बात करें तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा और फाइनेंशियल दिक्कत, इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है? मैं ओनली इंडियन नेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं उसकी उनकी बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों ये मैटर नहीं करता, फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए ये फीस रहेगी मात्र 1,300 रुपये। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मेल के लिए 1,300 रुपये, फीमेल का तो हो गया 1,300 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के जो मेल हैं उनके लिए 1,300 रुपये। अदर जो कैटेगरीज बचती है जैसे जनरल जनरल ईडब्ल्यू एस, ओबीसी ओबीसी एनसीटी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, सॉरी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो 1,300 होगी। इनके अलावा जो भी बाकी बचते हैं उनकी फ़ीस रहेगी आपकी 2,600 रुपये, यानी कि उनकी फ़ीस इनसे डबल लगेगी। तो ये फ़ीस का जो कन्फ्यूज़न था आपका वो भी दूर हो गया आपका। आगे है इसके स्टेप्स। तो इसके स्टेप्स कितने हैं? पहला स्टेप, आपको रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स देनी होगी, उसको फिल करना होगा जेई एडवांस के पोर्टल पर जाकर। उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपलोड करना होगा, तो उनको अपलोड करने की तिथि तो आगे बढ़ा दी गई है, 5 जून कर दी गई है ईडब्ल्यू से लेकर। फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनसे लेकर कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनकी वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका तीसरा स्टेप रहेगा वो होगा आपकी रजिस्ट्रेशन फीस पे। आपको आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे करनी होगी, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, जो इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो क्या है। इसको छोड़ते हैं रिजल्ट को, जो अपना जारी हो चुका है। उसके बाद आज की बात करते हैं, तो आज से यानी कि 3 मई से जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो चुके हैं और ये कब तक चलेंगे? 9 मई तक, 9 मई तक चलेंगे। 9 मई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट किसकी है फीस पेमेंट की? तो 10 मई, इसके तुरंत एक दिन बाद 10 मई तक आप इसकी फ़ीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो आपको 20 मई को अवेलेबल हो जाएंगे। पहले
पहले आपका ये एग्ज़ाम जो है जेईई एडवांस का वो 19 मई को होने वाला था, लेकिन अब जो ये एग्ज़ाम है वो 27 मई को आपका पेपर फर्स्ट 9 बजे से 12 बजे तक, और जो जेईई एडवांस का पेपर सेकंड है वो 2 बजे से शाम 5 बजे तक 27 मई को ही होगा। उसके बाद कॉपी ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्स 29 मई से 1 जून के बीच में, ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ आंसर की आपकी 4 जून को आ जाएगी, उसके बाद उस पर जो कमेंट्स और फीडबैक्स हैं वो 4 से 5 जून के बीच आप दे सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ जेई रिजल्ट्स 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 14 से 15 जून के बीच होगा, और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो रिजल्ट टेस्ट जो होगा इनके लिए रजिस्ट्रेशन 14 से 15 जून के बीच में हो गए, और जो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है 17 जून को, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट है वो 21 जून को आ जाएगा, और आपको सीट अलॉटमेंट जो है वो जून जुलाई के बीच में हो जाएगी, जून जुलाई के बीच में आपको सीट अलॉटमेंट जो है वो आपकी हो जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस है जेई एडवांस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके मन में जितने भी जेई एडवांस को लेकर जो कन्फ्यूज़न थे वो दूर हो चुके हैं, और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। अनदर डिटेल्स के लिए हमने हमारे चैनल पर जेई मेंस जेई एडवांस से रिलेटेड अनेक वीडियोस डाल रखी हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। कॉलेज रिव्यूज़ की सीरीज भी चल चुकी है जिसमें आपने 3 कॉलेजेस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, और चौथे कॉलेज के बारे में जल्द ही वीडियो आने वाली है, तो वो भी आप ज़रूर देख लें। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।